The remedy that we are going to discuss today is causticum. ठीक है, causticum जो remedy है इसको डॉक्टर हैंडमैन ने ये नाम दिया था, टिंचरा एक्रिस साइने काली. ठीक है, अब हम इस remedy को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Adapted to person with dark hair, rigid fiber, weakly psoriatic with excessive yellow sallow complexion. ठीक है, तो इसका जो पर्सन होता है इसके डार्क हेयर होते हैं, बॉडी जो होती है इसकी काफी रिजिड होती है, मतलब मस्कुलर पर्सन होता है, विद एक्सेसिवली येलो सैलो कॉम्प्लेक्शन. ठीक है, मतलब पेलनेस, अर्थी कॉम्प्लेक्शन इसका होता है, मतलब चेहरा इसका हल्का येलोइश होता है. सब्जेक्ट टू अफेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक. ठीक है, तो इसको ज्यादातर जितनी भी कंप्लेंट्स आती है वो इश्यूज या तो रेस्पिरेटरी होते हैं या तो यूरिनरी. ठीक है, चिल्ड्रन विद डार्क हेयर आईज डेलिकेट सेंसिटिव स्किन इज प्रोन टू इंटर्टिगो ड्यूरिंग डेंटेशन. ठीक है, तो ऐसे चाइल्ड जिनमें स्किन डिजीजेस होने की चांसेस होती हैं ड्यूरिंग डेंटेशन, ठीक है, तो हम उनको ये रेमेडी जो कि कॉस्टिकम है ये प्रेस्क्राइब करते हैं, या फिर अगर कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम है टीथिंग चिल्ड्रन में तो भी हम लोग इसे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. डिस्टर्ब फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विद एग्जॉस्टिंग डिजीजेस और सीवियर मेंटल शॉक. अगर किसी पर्सन की ब्रेन एक्टिविटी में कोई भी फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस आ जा रहा है या फिर किसी एग्जॉस्टिंग डिजीजेस की वजह से, तो हम लोग इसे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, रॉनेस और सोरनेस ऑफ द स्कैल्प, थ्रोट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेक्टम, एनस, यूरेथ्रा, वेजाइना. ठीक है, तो ये रेमेडी जो कॉस्टिकम है इसको आप कॉस्टिकम को कष्ट, मतलब ऐसे पेन से याद रख सकते हो, दैट इसको बहुत ज्यादा रॉनेस और सोरनेस रहती है. आप देखो स्कैल्प से लेके यूट्रस वजाइना, दैट मींस ऑल ओवर द बॉडी. ठीक है, वो इसको रॉ और सोर लगती है. इसका मूड काफी मेलेंकली, मतलब सैड सा रहता है, होपलेस रहता है, ग्रीफ के साथ. द लीस्ट थिंग मेक्स द चाइल्ड क्राई. ठीक है, तो जो बच्चा रहता है उसको छोटी से छोटी चीज किसी भी प्रॉब्लम से तुरंत रोना आ जाता है. ठीक है, इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इमोशन को लेके, तो इसको दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी की फीलिंग भी होती है. ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ एंड सोरो. इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत पुराने चले आ रहे किसी भी ग्रीफ की वजह से या फिर पेन की वजह से, सोरो दुख की वजह से होती है, या फिर रात को कोई उठा रह गया, कोई सडन इमोशन हो गया, जैसे फियर या फिर फ्राइट, जॉय, ये सब की वजह से अगर प्रॉब्लम, मतलब इमोशनल चेंजेस की वजह से कॉस्टिकम के पेशेंट में प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, कई बार सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है. ठीक है, बच्चा जो होता है वो चलना बहुत धीरे सीखता है, जैसे कैल्केरिया फोरिका का पेशेंट होता है. अनस्टेडी वॉकिंग इजली एंड फॉलिंग ऑफ लिटिल चिल्ड्रन. अगर जो बच्चा है वो अनस्टेडिली चल रहा है, ठीक है, और चलते चलते कभी गिर जा रहा है, डिसबैलेंस हो जा रहा है, सो वी कैन थिंक ऑफ कॉस्टिकम. कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें कॉस्टिकम के, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट फ्रीक्वेंट इनएफेक्चुअल डिजायर. इसके पर्सन में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट और इनएफेक्चुअल डिजायर, मतलब वो स्टूल पास करने तो जाता है बट स्टूल का डिस्चार्ज नहीं होता. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इसका जो स्टूल है ये पासेस इजली या फिर बेटर वाइल स्टैंडिंग. तो पर्सन जो है कॉन्स्टिपेटेड उसको स्टूल आराम से पास होता है जब वो खड़ा रहता है तो. ठीक है, यूरिन और नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, रात में अगर यूरिन का डिस्चार्ज हो जाता है इनवॉलेंटरीली तो हम उसे नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस कहते हैं. तो बच्चों में अगर ये देखने को मिल रहा है सो वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. ठीक है, यूरिन इसकी इनवॉलेंटरी होती है. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके ये जो सिम्टम है कि अगर पर्सन है अचानक से छींका, ठीक है, या फिर कोई नोज ब्लो कर रहा है, खांसा, उसकी वजह से यूरिन इनवॉलेंटरीली डिस्चार्ज हो जाती है. ठीक है, कफ विथ रॉनेस एंड सोरनेस इन चेस्ट. इसका जो पर्सन होता है उसको खास
खांसी जब आती है तो इसके चेस्ट में बहुत ज्यादा रॉनेस और सोरनेस होती है। ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा ही है कि इसकी सारी बॉडी पार्ट में काफी रॉ सोर फीलिंग होती है, ठीक है, कुछ भी एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता है। रिलीव्ड बाय सोलो ऑफ कोल्ड वाटर या फिर कफिंग जो है, इसमें आराम कैसे मिलता है, देखिए आपको पढ़ना होगा कफ रिलीव्ड बाय सोलो ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। फिर कफ ऑन एक्सपायरेशन, जब वो सांस बाहर निकालता है, ठीक है, इंस्पायर करके फिर एक्सपायर करता है, तो उस टाइम इसको खांसी आती है, ठीक है। कमर में इसके दर्द होता है, पेन इन हिप्स रिमेनिंग आफ्टर पर्ट्यूसिस विथ एक्सपेक्टोरेशन चीफली एट नाइट, ठीक है। तो रात को ज्यादातर अगर ये स्पुटा का डिस्चार्ज करेगा, एक्सपेक्टोरेट करेगा, तो वो ज्यादातर रात को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। होर्सनेस रॉनेस तो है ही हर जगह, एंड एफोनिया मतलब इसकी आवाज भी चली जाती है, एग्रेवेशन मॉर्निंग टाइम में ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। रात को अनेबल टू गेट एन इजी पोजिशन और लाई स्टिल अ मोमेंट, ठीक है, इसको एक जगह खड़े रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, ये हमेशा इधर उधर मूव करता रहता है, बट मोशन डज नॉट रिलीव, और ये कोशिश करेगा तो इसका जो मोशन है, ठीक है, वो भी रिलीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, यहाँ पे लिखा है कैन नॉट कवर टू वार्मली, इसको तुरंत अच्छे से कवर करने से बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है, ठीक है। और फेंट लाइक सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग, इसको फेंटिंग की सेंसेशन होती है और काफी ज्यादा वीकनेस और ट्रेम्बलिंग भी फील होती है, ठीक है। स्पेशली बर्न स्कार्स प्रेशन अप बिकम सोर अगेन, ठीक है। ओल्ड इंजरीज रीओपन, अगर बर्न स्कार्ड है तो हम लोग दे सकते हैं, अगर वो फिर से सोर हो गए तो। और कॉस्टिकम का जो पर्सन होता है उसको जब वो जला होता है, ठीक है, कोई बर्न इंजरी हुई रहती है तो ये हमेशा बताएगा कि वो उस टाइम जल गया था, उसके बाद से उसको उसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हुई है, ठीक है। मेंसेस टू अर्ली टू फीबल ओनली ड्यूरिंग द डे, इसके मेंसेस जो है वो बहुत कम फ्लो होता है और सिर्फ डे टाइम में होता है, ठीक है। लाइंग डाउन पे सीज हो जाते हैं मेंसेस। अब हम पैरालिसिस की बात करें तो सिंगल पार्ट्स में पैरालिसिस मिलती है उसी तरह जैसे रॉनेस और सोरनेस मिल रही थी, ठीक है, और जनरली राइट साइड में, ठीक। इनमें एक्सपोजर विंड से जब भी होता है, कोल्ड विंड से या ड्राफ्ट ऑफ विंड से, तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड्स कैन नॉट कीप देम ओपन, ठीक है, इसकी जो अपर आईलिड होती है ये हमेशा ड्रूप करती रहती है, मतलब अपने आप बंद होती रहती है, एंड कैन नॉट कीप देम ओपन, वो उसको खुला नहीं रख पाती, ठीक है। ये भी अदर रेमिडीज है जो कि देखने को मिलता है जिसमें ये रिमेटिक अफेक्शंस विद कंट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्चर्स एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट टेंशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल, तो इसको रिमेटिक कंप्लेंट्स भी आती है जिसकी वजह से इनके जो जॉइंट्स हैं या मसल्स हैं उनमें काफी ज्यादा टेंशन और स्टिफनेस फील होती है, ठीक है। वॉर्ट्स की अगर हम बात करें तो पेडंकुलेटेड वॉर्ट्स होते हैं जिनमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। एक्सुडिंग मॉइस्चर स्मॉल ऑल ओवर द बॉडी ऑन आईलिड्स फेस ऑन द नोज, तो इनके जितने भी वॉर्ट्स होते हैं ये इन सारे एरिया पे अपीयर होते हैं। पेशेंट इम्प्रूव्स फॉर अ टाइम देन कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, ठीक है। तो पर्सन स्टार्टिंग में जब आप रेमेडी दोगे तो उसको इम्प्रूवमेंट होता है लेकिन फिर उसकी कंडीशन स्टैंड स्टिल हो जाती है, ठीक है। दीज आर द रिलेशनशिप्स दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग दिस रेमेडी, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रेमेडी के साथ कॉस्टिकम को कॉम्प्लीमेंट्री देना है, कौन सी के सिमिलर होती है, ठीक है। अब हम इसके एग्रेवेशन की अगर बात करें तो क्लियर फाइन वेदर में कॉस्टिकम के पेशेंट को आराम मिलता है, ठीक है, या सॉरी इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं क्लियर वेदर में, ठीक है, या फिर फ्रॉम गेटिंग वेट और बाथिंग, ठीक है। अगर ये ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर में चला गया तो भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, या फिर अगर बाहर से हवा मतलब कोल्ड एयर में जाकर
अगर वार्म रूम में वापस आ जाता है तो भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉस्टिकम। अगर मैं एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो कॉस्टिकम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसके रेस्पिरेटरी इश्यूज और इसके जो यूरिनरी कंप्लेंट्स हैं, दैट मींस जो कि उसके साथ बेस्ड है विथ अदर प्रॉब्लम्स, जैसे कफिंग के साथ यूरिनेशन हो जा रहा है या ये सारी कंप्लेंट्स, ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कॉस्टिकम।